गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं 2022 में सबसे पॉपुलर बाइक्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस नंबर वन पे है हमारी रिवोल्ट आरवी 400। ये वाकई में ऑलरेडी इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर चुकी है और लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक है। और इसको पसंद करने के लोगों के कारण चार ही है, क्योंकि इसमें रिमूवेबल बैटरी और आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और 1.5 लाख के अंदर आपको ये बाइक मिल रही है। इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक है। मुझे नहीं लगता कि आपको रिवोल्ट आरवी 400 के बारे में और डिटेल में जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और ख़ुद में मैंने परचेस किया है रिवोल्ट आरवी 400। और आपको फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो इस वीडियोस पे विजिट कर सकते हो आप मेरे चैनल पे। गाइस नंबर टू पे है अपनी AE47, जो कि बहुत ही ब्रांडेड कंपनी लॉन्च करने वाली है। उस कंपनी का नाम है हीरो। इस कंपनी ने ऑलरेडी इस बाइक के बारे में बहुत कुछ डिटेल में जानकारी दे चुकी है और मैंने ऑलरेडी इस बाइक पे और एक वीडियो बना के रखा है, उस पर आप विजिट करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी आपको मिल सकती है। वैसे तो यह बाइक अभी तक मार्केट में लॉन्च हुई नहीं है, लेकिन हमें जब भी लॉन्च होगी तब मालूम चलेगा कि यह रिवोल्ट आरवी 400 से टक्कर देगी या फिर नहीं। इसमें इस बाइक में बस एक ही दिक्कत है कि इसमें नॉन रिमूवेबल बैटरी है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा हीरो के बाइक पे, तो यह हमें आने वाले फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट। सो गाइस नेक्स्ट वाली जो बाइक है वो अल्ट्रा वॉलेट F77 है। हालांकि मैंने इस बाइक के ऊपर अल्ट्रा वॉलेट F77 के ऊपर डिटेल में वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन बहुत ही जल्द बनाने वाला, इसीलिए आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अल्ट्रा वॉलेट F77 के बारे में देना चाहूँगा। अल्ट्रा वॉलेट F77 का मुझे सबसे खास फीचर ये लगा कि उसमें रिमूवेबल बैटरी मिलती है, जो कि 3 पार्ट्स में अवेलेबल है। एक बैटरी रहती है तो फिर आपको लोडिंग कैपेसिटी मतलब लोड भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए मुझे अल्ट्रा वॉलेट F77 काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि 3 पार्ट्स में अवेलेबल है। पर उसका हर एक बैटरी का जो वेट है अराउंड मुझे मेरे हिसाब से 8.5 किलो या फिर 8 किलो के आसपास उसका वेट है एक एक बैटरी का। 3 बैटरीज उसमें मिलती हैं और आप 2 बैटरीज पे भी वो बाइक चला सकते हो और आप घर में इजीली चार्ज कर सकते हो। वो सबसे मुझे अच्छा फीचर लगा इस बाइक में। और मुझे इस बाइक का वाकई में लुक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस बाइक में वाकई में लुक एकदम स्पोर्ट्स बाइक देने का कोशिश पूरी की है कंपनी ने, और मतलब एक स्पोर्ट्स बाइक ही है ये 100%। और आपको ये स्पीड मुझे वाकई में बहुत नेक्स्ट लेवल वाला लगा, क्योंकि 150 टॉप स्पीड है इसकी। वो भाई गजब सी बाइक है, मुझे वो उससे भी ज़्यादा गजब बात ये लगी। उसके मैं थोड़ा सा प्राइस देखा तो फिर वो बराबर किया उसने प्राइस, क्योंकि 2 लाख से भी ऊपर और लगभग मेरे हिसाब से 3 लाख है इसकी गाड़ी की प्राइस, लेकिन अभी तक यह मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है, तो उसी वजह से मुझे अभी तक नहीं मालूम। और अगर आप इससे भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वाली बाइक्स देखना चाहते हो या फिर लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।